अब इस सेशन में आपका जो भी डाउट होगा एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर का, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो एंगुलर वेलोसिटी अब पढ़ने के पहले, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का तो बेसिक्स मैंने पिछले सेशन में काफ़ी कर ही लिया है, इस सेशन में उसका जस्ट एक कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वो पढ़ने के पहले मुझे यहाँ पे जो कुछ टर्म्स मैंने पिछले सेशन में यूज़ किए उनको ही डिफ्रेंशिएट करना है, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो टर्म्स बेसिकली है क्या। तो वो टर्म्स है प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो तीनों तीन टर्म्स को लिखता हूँ। तो पहला होता है प्योर ट्रांसलेशन मोशन, सो दैट इज पी टी, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन। अब सेकेंड टर्म होता है प्योर रोटेशन, दैट इज पी डॉट आर, दैट इज प्योर रोटेशन। और थर्ड टर्म होता है दैट इज रोटेशनल मोशन। अब रोटेशन जैसे मैं वर्ड यूज करता हूँ तो इसका मतलब होता है प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है? अब प्योर ट्रांसलेशन का, लेट्स से एक डिस्क है, सपोज आगे जा रहा है कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, लेट्स इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो गया वी सेंटर ऑफ मास, मतलब इस डिस्क को मैं पॉइंट मास मान सकता हूं और वो पॉइंट मास कितने वेलोसिटी जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास। अब प्योर ट्रांसलेशन में इस बॉडी के अंदर, मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अब इस केस को हम लोग बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन, मतलब ये घूम नहीं रहा है, मतलब ऐसा का ऐसा ये डिस्क आगे जा रहा है, मतलब इसके हर एक पॉइंट का मुझे बताओ वेलोसिटी कितना रहेगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा, वी सेंटर ऑफ मास आगे। सिमिलरली ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा, वी सेंटर ऑफ मास आगे। कोई भी पॉइंट लो, उनका वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और कितना रहेगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब इस ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब प्योर रोटेशन क्या होता है? अब प्योर रोटेशन आप गेस मार सकते हो, इसकी डिस्क है। अब इस डिस्क को मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर लिया, अब इस डिस्क को मैंने घुमाना चालू किया लेट्स से ओमेगा से, और लेट्स से इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा लेट्स से अल्फा, तो ओमेगा लिखो या अल्फा लिखो। अब यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास है वो लेट्स से फिक्स्ड है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कितनी है, जीरो, और आई कैन से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे क्या है, जीरो, मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड हो गया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेकिन बॉडी रोटेट कर रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशन। अब मुझे बताओ फिर रोटेशन क्या होगा? सिंपल, रोटेशन क्या होगा, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। मतलब मैंने यहाँ पे वापस डिस्क को ड्रॉ किया और इस डिस्क का कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है, मतलब ये कुछ आगे भी जा रहा है और एट द सेम टाइम अबाउट सेंटर ऑफ मास ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसके पास कुछ ओमेगा भी है। और सिमिलरली आई कैन राइट इसके पास कुछ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है और इसका कुछ अल्फा भी है। अब ये जब होगा तब इस केस को हम लोग बोलते हैं रोटेशन, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन। अब ये रोटेशन जो है उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो रोटेशन में मैंने सिंपली तो बोल दिया कि ये आगे भी जाएगा, उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा और इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। अब कब से मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलना जरूरी है? मतलब मैं एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट बॉडी पे हो, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट नहीं बोल सकता? क्या उसका एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पे कुछ अलग आएगा? अब यही कंफ्यूजिंग होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता। अब इसके ऊपर आईआईटी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था 2012 में, वो आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था वो, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ लेकिन कुछ बाद में। अब यहाँ पे देखो एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हम लोग रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से एक लाइट रॉड है और उस लाइट रॉड को ये दो मास,
आइडेंटिकल मासेस लगे हुए, मास m और ये मास m. अब ये जो रॉड है वो लाइट है. अब मुझे बताओ, सपोज ये रॉड प्योर ट्रांसलेट कर रहा है तो क्या होगा? इसके पास सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ ओमेगा नहीं होगा. मतलब ये मास m भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये मास भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही जाएगा. प्योर रोटेशन में क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है जो कि एग्जैक्टली मिडल में होगा, वो रुका हुआ है और ये बॉडी सिर्फ उसके अबाउट घूम रहा है. लेकिन मुझे यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, नॉर्मल रोटेशन. मतलब लेट्स से इस मास का वेलोसिटी हो गया v1 और इस मास का वेलोसिटी हो गया लेट्स से v2. अब जैसे मैं बोलता हूँ v1 इज ग्रेटर देन v2, तो मुझे बताओ ये रॉड कैसे जाएगा? कुछ टाइम के बाद ये रॉड कुछ ऐसे मूव करेगा, बेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी v1 ज़्यादा है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा. फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको ये रॉड कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे. मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे रॉड आगे भी जा रहा है एट द सेम टाइम, इसका जो सेंटर ऑफ मास है आगे भी जा रहा है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम भी रहा है. मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रॉड घूम भी रहा है. तो मुझे सपोज ऐसे मोशन को कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से. मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये दो मास यहाँ पे लगे हुए हैं और इसको मुझे कन्वर्ट करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा में. मतलब जैसे ही ये जो मोशन होता है v1 v2 दिया हुआ है, इसमें मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी नहीं पता, उसको मुझे कन्वर्ट करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा में, तो कैसे करूंगा? और कभी कभी उल्टा भी दिया रहता है, कभी कभी ये चीज दी रहती है और मुझे कन्वर्ट करना है इस पॉइंट में, तो ये दोनों आपको जमना चाहिए. अब ये जो एग्जांपल है उसको ही डिस्कस करते करते आपको बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ में आ जाएगा. अब यहां पे देखो v1 इज ग्रेटर देन v2, तो पहले तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता हूं. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. अब यहां पे क्या होगा, वो m1 एंड m2 की वैल्यू सेम है तो इसे भी कट हो जाएगा v1 एंड v2, तो ये आएगा v1 प्लस v2 बाई 2. अब ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज m1 एंड m2 दोनों आइडेंटिकल है. ध्यान में रखो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की तो वैल्यू मेरी हो गई कैलकुलेट. अब मुझे बताओ मैं एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करूँ. अब पिछले सेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों वेलोसिटीज लेट्स से परपेंडिकुलर है, तो एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड का क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो मैंने क्या बोला था आपको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, मतलब पार्टिकल 2 जब रुका हुआ है तो उसको कैसे देखेगा, 1 कितने से जा रहा होगा. मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 डिवाइड बाय इसका जो सेपरेशन है, लेट्स इसका सेपरेशन है मानता हूं एल. अब ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड. मुझे बोलना है कि क्या ये एंगुलर वेलोसिटी जो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा वो एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी ये वाले मेथड से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय द सेपरेशन विच इज एल बाय 2. क्या ये एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी दोनों इक्वल है? अब ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ये दोनों इक्वल है? यस, ये दोनों इक्वल है. और वही मुझे यहाँ पे बताना है आपको कि एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन आप कोई भी पॉइंट से करो सेम ही आएगा. मतलब यहाँ पे आप देखोगे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी. ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है, v1 माइनस v2. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं v1 माइनस v2 डिवाइड बाय l. अब ये हो गया मेरा ओमेगा 1. अब यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो होता है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, v1 माइनस vcm, v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय l बाय 2. अब यहाँ पे आप देखोगे तो vcm क्या होता है, v1 प्लस v2 बाय 2, तो v1 माइनस v1 प्लस v2 बाय 2
डिवाइड बाय एल बाय टू, अब टू वी वन माइनस वी वन, तो यह आएगा वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाय टू. अब देखो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू की वैल्यू सेम आ गई, मतलब यहाँ पे ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू विच इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी. मतलब एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी दो पॉइंट्स लो यहाँ पे और उन दो पॉइंट्स का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो और डिवाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम. ये मेरा हो गया एंगुलर वेलोसिटी और वो वैलिड होता है. मतलब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो या आप कोई और पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहाँ पे मेरा एंगुलर वेलोसिटी भी निकल गया. तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा कितना आया, वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाय एल, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया कितना, वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाय टू. अब देखो ये तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कन्वर्जन किया, मतलब ये मुझे दिया हुआ था ये सिचुएशन जहाँ पे इसका वेलोसिटी था वी वन, इसका था वी टू, और मैंने क्या कैलकुलेट किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा. अब मुझे लेट्स से उल्टा दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है ये और मुझे ये कैलकुलेट करना है. मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है, मुझे इस मास का एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करूँगा. अब डेफिनेशन मुझे बताओ, ओमेगा का डेफिनेशन क्या था, ओमेगा क्या था यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय सेपरेशन, दैट इज कितना, यहाँ पे कितना था वो एल बाय टू, यही था ना. अब मैं यहाँ पे सिर्फ रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो ओमेगा इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू क्या था, वी वन माइनस वी सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी आई, यानी v1 की वैल्यू आई v सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्लस ओमेगा इंटू एल बाई टू. अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट का वेलोसिटी आया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले इधर था एंड ओमेगा इंटू एल बाई टू. अब बेसिकली आप इस टर्म को देखोगे तो ओमेगा इंटू एल बाई टू एज इफ ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रुका हुआ है और ये पॉइंट अभी मूव हो रहा है कितने वेलोसिटी से, ओमेगा इंटू एल बाई टू, इसका टेंजेंशियल स्पीड है, ये हम लोग ने सर्कुलर मोशन में देखा हुआ है ओमेगा आर. तो इन दोनों वेलोसिटीज को बेसिकली हम लोग ने क्या किया, ऐड किया. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो प्योर ट्रांसलेशन से मिला और ओमेगा इंटू एल बाई टू वो इसको प्योर रोटेशन से मिला. मतलब ये नॉर्मल रोटेशन का केस है जिसमें हम लोग ने प्योर ट्रांसलेशन यूज किया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली और फिर उसके अंदर हम लोग ने प्योर रोटेशन को ऐड किया. मतलब प्योर रोटेशन को कैसे ऐड किया, अपन ने सेंटर ऑफ मास को वहां पर रखा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस पूरे बॉडी को ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया. तो इस पॉइंट का यहाँ पे वेलोसिटी आया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा एल बाई टू. सिमिलरली इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे है और यहाँ पे ओमेगा एल बाई टू कहाँ पे, पीछे. तो ओमेगा एल बाई टू हो गया पीछे. अब आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डालो तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वी वन. यहाँ पे इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करते हो तो आएगा वी सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा एल बाई टू. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा V2. तो मुझे देखो, मतलब मुझे ये सिचुएशन दिया है, मैंने ये सिचुएशन इससे डिराइव कर दिया. तो पहले मैंने क्या किया, ये दिया हुआ था जिससे मैंने कन्वर्ट किस में किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एन ओमेगा, मतलब प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन को मैंने डिफाइन किया. अब सेकंड में मैंने क्या किया, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन अलग से दिया हुआ है तो मैंने ये वाला मोशन उसका बना दिया जो कि कॉम्बिनेशन था रोटेशन. अब क्विकली मैं जो भी अब तक हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको समराइज करता हूँ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था वो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम पहले निकालता हूँ. देखो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक रॉड या आप बोल सकते हो स्ट्रिंग ड्रॉ किया हुआ है. अब ये रॉड और स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग का ये वाला एंड है, एक दो एंड है यहाँ पे, जो फर्स्ट एंड है वो जा रहा है वेलोसिटी वी वन से और ये एंगल बना रहा है कुछ थीटा वन, दूसरा एंड जा रहा है
वी टू से और एंगल बना रहा है थीटा टू, तो इस केस में हम लोग ने देखा था स्ट्रिंग या रॉड का लेंथ बढ़ता नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस रॉड का ये सेपरेशन, ये पॉइंट वन एंड पॉइंट टू का सेपरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी वन कॉस थीटा वन इज इक्वल टू वी टू कॉस थीटा टू, जो हम लोग ने पहले भी बोला हुआ है। इवन मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैंने पढ़ाया था उसमें भी ये चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हम लोग ने कभी एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाला था। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकला, तो हम लोग ने क्या किया, V1 का ये परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग और रॉड का एक कंपोनेंट निकाला, मतलब V1 का मैंने ये कंपोनेंट निकाला कि जो क्या है, जो इस रॉड को परपेंडिकुलर है, ये क्या था V1 sin थीटा 1, और सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट कितना था V2 sin थीटा 2। तो बेसिकली ध्यान में रखना है, अब ये है पॉइंट टू, ये है पॉइंट वन, फिर उसके बाद मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना था, तो मैंने डायरेक्टली क्या यूज़ किया, अब इन दोनों का सेपरेशन लेट्स से एल है, तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी लिखा था v1 sin साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू, मतलब क्या करना है, दोनों वेलोसिटीज को डायरेक्टली सब्ट्रैक करना है, डिवाइड बाय जो सेपरेशन दिया हुआ है कितना एल, उसको लिखना है। अब ये क्यों किया था मैंने, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू डिवाइड बाय लेंथ एल, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब वो मैं करता हूँ तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है, मतलब टू इस पॉइंट वन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अपने को क्या दिखेगा कि ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया उससे रोटेट कर रहा है। उसके बाद मैंने इससे एक चीज़ डिफाइन की थी कि आप लोग, ये रॉड है तो ये रॉड को बेसिकली मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, तो इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, जिस डायरेक्शन भी हो वेलोसिटी आएगा, लेट्स से इस डायरेक्शन में कुछ आएगा, जिस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा उसको लिख दो, और उसके अबाउट ए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट करो, और एंगुलर वेलोसिटी तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। अब हम लोग ने नॉर्मल रोटेशनल मोशन था, मतलब बेसिकली इसमें प्योर ट्रांसलेशन भी था और रोटेशन भी था, उसको कन्वर्ट किया प्योर ट्रांसलेशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, प्लस हम लोग ने निकाला प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन कैसे निकाला अपन ने, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके, मतलब ये जो रॉड ऐसा दिखेगा कि ये सेंटर ऑफ मास इसका कुछ जा रहा है आगे वेलोसिटी से, एट द सेम टाइम अबाउट सेंटर ऑफ मास ये रॉड ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो ये मेरा कंक्लूजन था पहले वाला, और सेकंड कंक्लूजन क्या था, बैक इसको रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते। अब रिवर्स सपोज मुझे करना है, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, मतलब यहां पर मुझे दिया हुआ है लेट्स से एक रॉड है जो लेट्स से जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से कुछ ऐसे, और वो ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब मुझे निकालना है लेट्स से ये पॉइंट वन का वेलोसिटी एंड पॉइंट टू का वेलोसिटी, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल है। पॉइंट वन का वेलोसिटी के लिए मैंने क्या किया, अब एज्यूम करो कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम नहीं रहा है, ये रॉड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही आगे जा रहा है ऐसे कैसे, तो ये पॉइंट वन भी कितने वेलोसिटी से आगे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से कुछ ऐसे। सिमिलरली पॉइंट टू भी कितने वेलोसिटी से आगे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से कुछ ऐसे। अब इतना ही हो रहा है क्या यहाँ पे, अब देखो ये मैंने किया प्योर ट्रांसलेशन, तो ये बेसिकली ऐसा पकड़ लो कि प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट है, ये भी प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट है। अब मुझे क्या ऐड करना है, अब एट द सेम टाइम अबाउट सेंटर ऑफ मास ये रॉड रोटेट भी हो रहा है, अब ये रॉड रोटेट हो रहा है और रॉड का पूरा लेंथ है एल, तो सेंटर ऑफ मास से ए लेंथ कितना हुआ एल बाई टू। अब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है और ये पॉइंट ओमेगा से घूम रहा है, तो बाय सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी कुछ ऐसे, और वो हो जाएगी ओमेगा इंटू एल बाय टू। सिमिलरली यहाँ पे भी इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी होगी, अब ऐसे घूम रहा है तो बेसिकली ये कुछ पीछे होगी, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी कुछ ऐसे ओमेगा इंटू एल बाय टू। अब बेसिकली आप देखोगे तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा, तो पॉइंट वन का नेट वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशन कंपोनेंट। ये होगा क्या, प्योर रोटेशन कंपोनेंट। तो बेसिकली पॉइंट वन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम दैट इज वी वन बार इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ
pure translation ka component, that is velocity of center of mass, and pure rotation ka component, that is, let's say this is velocity tangential, so velocity tangential ka component. Similarly, V2 ke liye bhi wahi hoga, in dono ka vector addition. Ye hoga mera net velocity of this point 2. Matlab, yahan se maine isko convert bhi kar liya. मतलब ये दिया हुआ है मतलब प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन सेपरेटली दिया हुआ है तो मैं हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं या मुझे हर एक पॉइंट का वेलोसिटी दिया है तो मैं प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता हूं. ये था मेरा पूरा कंक्लूजन एंगुलर वेलोसिटी के कांसेप्ट के बारे में. अब इस कांसेप्ट के ऊपर मैं और एक एग्जांपल सॉल्व करता हूं. बेसिक एग्जांपल है वो जिससे आपका ये कांसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा.